व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? गाइस फाइनली मैं आपके लिए ले आया हूं एक छोटा सा अपना गेमिंग सेटअप टूर का वीडियो। गाइस आपको पता है मैं प्लेस्टेशन 4 पे गेमिंग करता हूं, तो इतना बड़ा सेटअप नहीं है मेरा, तो जो भी है वो आपको एक बार चलो दिखा देता हूं मैं। गाइस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इस रिंग लाइट से। ये मैंने परचेज नहीं की थी, मेरी सिस्टर के पास पड़ी थी तो मैंने उनसे ले ली थी, और मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कौन कौन सी लाइट्स हैं। तो गाइस ये है इस लाइट का बटन, और इसमें अगर मैं ऑन करूँगा तो आप देखेंगे वाइट लाइट जल गई है। वाइट के साथ इसमें ये थोड़ी मिक्स लाइट है, ऑरेंज एंड वाइट, और एक ये ऑरेंज लाइट है। तो मोस्टली मैं वाइट ही रखता हूँ। वेट, आई थिंक ये वाइट है, और इसको देखो मैं ब्राइटनेस इसकी कम भी कर सकता हूँ और बढ़ा भी सकता हूँ। गाइज आई थिंक 2200 या 2500 की ये लाइट आती है, काफ़ी यूज़फुल है। मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस कॉर्नर से। यहाँ पे एक मेरा पड़ा है वी गार्ड का वोल्टेज स्टेबलाइजर, इस पर बहुत जल्दी वीडियो भी बनाऊंगा मैं। तो आप जैसे देख रहे हो ये दो वायर्स हैं, ये दोनों मेरे प्लेस्टेशन और मेरे टीवी के कनेक्टेड है। इससे क्या होता है कि बाय चांस अगर लाइट चली जाए या फिर वोल्टेज फ्लक्चुएट हो तो ये उसको स्टेबलाइज करता है ताकि आपकी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ख़राब ना हो। इस साइड हम आएंगे तो ये मेरा टीवी है, थॉमसन का 40 इंच 4K स्मार्ट टीवी है जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था। इसके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। अभी आप देख रहे हो कि मैं एक्चुअली ब्राउज़ कर रहा था कि कौन कौन सी गेम्स अवेलेबल हैं PSN पे और किस पे ब्लैक फ्राइडे डिस्काउंट चल रहा है। यहाँ पे मेरा पड़ा है प्लेस्टेशन 4 स्लिम, जो कि ये मॉडल मैंने कनाडा से मंगवाया था। ये स्किन मैंने अमेजोन से, हाँ आई थिंक अमेजोन से मंगवाई थी। मैं कोशिश करूँगा सबका लिंक मैं डाल दूँ। ये मेरा कंट्रोलर है, इस पर भी ये स्किन है, लेकिन गाइज यहाँ पे ना पूरी स्किन थी जो कि टूट गई मेरे से, मतलब फट गई जो मर्जी कह लो, तो वो अब नहीं है। उसके बाद गाइज यहाँ हमेशा मेरी ये पेन ड्राइव पड़ी रहती है। ये क्यों होती है कि मैं जो भी गेम प्ले वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ वो मैं रिकॉर्ड करने के बाद साथ के साथ पेन ड्राइव से ट्रांसफ़र करता हूँ और फिर अपने लैपटॉप में डालता हूँ। और गाइज इस साइड मेरा पड़ा है कॉस्मिक बाइट का GS410 गेमिंग हेडसेट, जो कि आई थिंक बहुत ही चीप हेडसेट है और बहुत ही अमेजिंग है अगर मैं कहूँ तो। मतलब फॉर 850 रुपीज़ इससे बेटर हेडसेट मेरे को नहीं मिला। बाकी इसके बाद अगर आप थोड़ा सा बजट बढ़ाना चाहो तो कोटन ईच का आता है हेडसेट, वो अराउंड आपको 1200 का पड़ जाएगा। यहाँ पे आप देखो ये मेरे को पोस्टर फ्री मिला था लास्ट ऑफ अस 2 जो मैंने गेम खरीदी थी उसके साथ। उस पर LED बनी हुई है और काफ़ी गुस्से में लग रही है। ये मैंने आपको दिखाया नहीं, ये है आयरन मैन, ये मैंने वॉल डिज़ाइन से मंगवाया था वॉल स्टिकर। और अगर बात करूँ मैं इस साइड की तो यहाँ पे एक ये पोडियम है, इसकी मैं अभी आपको लाइट जला के दिखाता हूँ कि क्या है ये। इसका वैसे मैंने अभी यूज़ तो सोचा नहीं मेरे को क्या करना है, तो देखूँगा थोड़ी देर बाद। तो गाइज ये पोडियम ऐसा दिखता है लाइट जला के। अभी मैंने जैसे बताया कि इसका मैंने अभी यूज़ नहीं सोचा क्या करना है, बट देखूँगा कहीं तो यूज़ आ जाएगा। गाइज फिर आपको दिखाता हूँ ये जो पहला ड्रॉअर है इसमें मेरा सारा सामान होता है। इसमें अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे सारी मेरी गेम्स पड़ी है, अभी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा गेम कलेक्शन आ गई है। ये मेरे पास 2 एक्स्ट्रा कंट्रोलर्स पड़े हैं, ये वायर पड़ी है यहाँ पे इसकी जो अपने चार्जिंग वायर है, और यहाँ पे रहता है मेरा बोया का माइक जो मैं अभी जिससे बात कर रहा हूँ। तो बाकी तो यहाँ पे और कुछ नहीं है, चलते हैं इस तरफ। तो गाइज इस साइड आती है मेरी ग्रीन स्क्रीन जो मैंने अमेजोन से मंगवाई थी, तो ये बेसिकली एक कपड़ा ही है। ओप्स ये मैंने स्टैंड पे लगा रखा है, जो कि हमारा एक वो वाइट बोर्ड का स्टैंड होता है ना उस पे, और ये मैंने साथ में क्लिप्स लगाए हुए हैं इधर, जिससे कोई वट नहीं आएगा और ये स्ट्रेट रहती है। और इस साइड अगर आप देखो तो मेरा लैपटॉप पड़ा है, यहाँ पे मोस्टली ऑन ही रहता है ये, क्योंकि क्या होता है कि वहाँ पे मैं गेम खेल रहा होता हूँ, यहाँ पे साथ साथ एडिटिंग कर रहा होता हूँ, साइमल्टेनियसली कई बार काम चल रहा होता है। और गाइज इसके नीचे ये जो टेबल है ये स्पेशली मैंने रखा है अनबॉक्सिंग के लिए। तो आपने देखा होगा जो भी छोटे मोटे चीज़ों की अनबॉक्सिंग होती है वो मैं इस टेबल पे करता हूँ। क्या है कि प्लेस्टेशन 5 की जब मैं सोचूंगा तो इस पे आई थिंक होने नहीं वाली अनबॉक्सिंग, क्योंकि थोड़ा छोटा पड़ जाएगा उसके लिए, वो शायद मैं फ्लोर पे करूँगा या किसी और टेबल पे करूँगा। और गाइज ये है मेरी चेयर जिसमें मैं बैठ के गेमिंग करता हूँ या एडिटिंग करता हूँ। तो बस गाइज ये इतना छोटा सा ही सेटअप है मेरा, इतना कुछ बड़ा है नहीं। तो आई थिंक अगली वीडियो जो मोस्ट प्रॉब्ली मैं सेटअप की बनाऊंगा वो उसमें मैं काफ़ी इम्प्रूव कर लूँगा इस सेटअप को।
तो गाइज ये था मेरा छोटा सा सेटअप टूर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में।